Hello all students, in this video we shall continue to our chapter number 5, the alien planet, the green movement's role. So let's continue the story. For instance, the constitution says that a casteism, untouchability and bounded labor shall be abolished, but they flourish seamlessly even after 44 years and the operation that of the constitution. A recent report of our parliament's estimated committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades. India, according to a reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large area officially designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of the forest is estimated to be about 8 times and rate indicates by the government statistics. अभी यहाँ पे बात की है हमारे constitutions की. Constitution में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत सारे जो है articles दिए गए हैं पर उसको follow नहीं किया जाता है. वहाँ पे casteism जो है untouchability है, means छूत अछूत की जो थी प्रथा, लेबरनेस थी जो हमारे पहले जो गुलाम बना रहे थे एक दूसरे को, उसकी बात है. बोलिश नहीं हुए हैं, शेमलेस इवन आफ्टर 40 ईयर ऑफ दी ऑपरेशन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काफ़ी सारे टाइम हो गया है और फिर भी अभी तक ये सारे जो हमारे इधर दूषित जो ऑर्थोडॉक्स हैं या फिर ऐसे सारी दूषण है वो अभी तक यहीं पे ऐसे की वैसे ही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया है. और रिग्रेट रिपोर्ट ऑफ दी पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट ने रिपोर्ट दिया है उसका अकॉर्डिंग हर हम जो हैं फॉरेस्ट जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, ट्रीज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं. 3.7 मिलियन एकर्स ईयर, मतलब कि एक साल में 3.7 एकर्स जितने जो हैं वो मैदान बनते जा रहे हैं और हम जो है ट्रीज काटते जा रहे हैं. इस वजह से क्या हो रहा है कि हम ट्री लेस हो जाएंगे. ऐसे अगर चलता रहा तो जंगल ही नहीं बचेंगे और अगर जंगल नहीं बचे तो ह्यूमन बींग्स भी नहीं बचेंगे. ट्रीज 3 ईयर स्टडी यूजिंग द सैटेलाइट एंड द एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन वॉन्स दैट द एनवायरमेंट हैज डिटेरियोरेटेड सो बैडली दैट इट इज क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 सेंचुरीज इन्वेस्टिगेटेड. अब यहाँ पे बात की है कि जब अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ने सैटेलाइट के द्वारा इस पर इन्वेस्टिगेशन किया था एनवायरमेंट पे हमारी अर्थ की, तब उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया था और उन्होंने वार्न भी किया था कि हम हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं और वो डेंजर में है और हमें इस बारे में क्रिटिकली सोचना चाहिए. हमने बहुत ज़्यादा इसको जो है हमारी कंट्रीज हैं वो सबको उनके पास जितने भी नेचर है उसको बहुत ज़्यादा हमने डैमेज कर दिया है और हमने उनने सारी कंट्रीज़ की इन्वेस्टिगेशन 88 कंट्री को इन्वेस्टिगेट किया था इसके दौरान. देन कैन बी नो डाउट्स ऑफ दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टोर्टिंग मीन्स डिफॉर्म फॉर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800 बाय द ईयर 1900. अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड एंड देन द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन. द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज द एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन. द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी 4 डेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन. अब यहाँ पे बात की है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ने के कारण भी ये जो फैक्टर्स हैं मतलब कि एनवायरनमेंट को जो डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रॉयनेस हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? पॉपुलेशन के कारण. ज़्यादा बढ़ती जा रही पॉपुलेशन, वो कह रहे हैं कि पहले इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी,
1800 ईयर हमें 1800 ईयर लग गए थे एक वन मिलियन बनने में, पर 1900 का जब दौर आया तो 1 मिलियन और बढ़ गए, और अभी की जो पॉपुलेशन वो बता रहे हैं कि वो 5.7 मिलियन बढ़ गई है, और हर साल ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 1 मिलियन, यानी कि हर साल 1 मिलियन जितनी जो है बर्थ हो रहे हैं लोगों के। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है इन सब के लिए। Fertilized fields as you know, income rise and education spread and the health improve, thus development is the best contraceptive, but people development itself may not be a possible if the present increase in the number of countries. मैं आपको बोल रहे हैं कि हाँ ये सब कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, उन्होंने जो पॉपुलेशन बढ़ाई है सब ठीक किया जाता है हमें डेवलप करके, पर ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि अब उनको डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, उनका खाना पीना, इकोनॉमी, उनके लिए जॉब, ये सब भी लाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो इनका डेवलपमेंट है या फिर एजुकेशन देना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही कॉम्प्लिकेट है, कंफ्यूजिंग है और इम्पॉसिबल जैसा है। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट मींस क्या होगा, गिव लाइफ टू चिल्ड्रंस विच कंडम्स देम टू रिमाइंड पुअर मोर चिल्ड्रंस डज नॉट मीन मोर वर्कर्स Merely more people without work, it is not suggested that the human beings be treated like cattle and the compulsory sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without the introducing an element of coercion, that the choice is really between a control of population than the perpetuation of poverty। यहाँ पर बात की है कि रिच जो है ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं तो शायद वो जो है इतने सारे चिल्ड्रंस नहीं करते हैं, पर पुअर है वो बहुत पुअर होते जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिल्ड्रंस जो है वो उनको बर्थ देते हैं, इस वजह से वो जो है पुअर ही रह जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लोग होंगे या ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा वर्कर्स पैदा होंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़ा फैक्टर है, वो भी बढ़ चुका है अभी यहाँ प्रेजेंट टाइम में, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब्स इतनी अवेलेबल नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से पीपल्स के पास जॉब्स नहीं है। और यहाँ पर बात की है कि वो लोग फैमिली प्लानिंग भी नहीं करते हैं जिस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, और हर बार जो है ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इस वजह से जो है सिचुएशन इज मल्टीप्लाई, तो पॉवर्टी भी है, पुअरनेस भी है, बढ़ती ही जा रही है। द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ That people would die in their hungry hunt unless population control is given from most priority। अब इस बारे में बात की है इंडिया की, इंडिया है उसकी जो उस टाइम में 1949 जब ये आर्टिकल बना था, मीन्स आर्टिकल कब लिखा था 1994 में, कब की बात है, कब पॉपुलेशन थी इंडिया की 1920 मिलियन, अब तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो इंडिया की सिर्फ एक कंट्री की पॉपुलेशन दो अमेरिका और साउथ अमेरिका और अफ्रीका से भी ज़्यादा है। तो ये फैक्टर क्या है इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ने का, वो भी जो है यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे सारी दूसरे भी दूषण है वो ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, पुअरनेस ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इकोनॉमी कम है, तो ये सारे फैक्टर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से है। For the first time in the human history, we see the transcending concern means kya hoga? A concern that existed for a very long time has passed down from one generation to another। अभी आपने बात की है कि जो हमें हमारे जो जो हम one generation to another generation transfer करके आ रहे हैं हिस्ट्री, दिस सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट, वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिक ऑफ आवर एक्सिस्टेंस,
The environmental problems that not a necessity single our damage. Damage means kya? Demise means kya hoga? End. It is our passport of our future. The emerging new world vision has ensured in the era of responsibilities. It is the holistic view and the ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. भी बात की है कि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन हम जैसे पास ऑन करते आए हैं, वैसे ही हमारा जो व्यू है एनवायरनमेंट की तरफ, उसके प्रॉब्लम्स की तरफ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, नेचर के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्थ के प्रति, उसे हमें समझना होगा. वी हैव टू व्यू एज इकोनॉमिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एन इन्वेस्टिगेटेड होल रादर देन एन डिस्कोरी कलेक्शन ऑफ द पार्ट. अभी यहाँ पर हमें एक पार्ट बनना है उसका, और उसकी तरह से ही हम पूरे वर्ल्ड को देखेंगे. हमें यहाँ पर बात की है कि इंडस्ट्री हैज़ द मोस्ट क्यूरिशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टिव इफ अ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉइंट मिस्टर एडगर एस वॉलर, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environment officer. He said, our continuous existence as the leading manufacturing required that the action on the environmental performance. Our CEO hai jo chairman hai, Mr. Edgar S. Boulder, wo chief of environment officer hai, wo unhone kya kaha tha 5 saal pehle, unhone kaha tha apne statement mein ki अवर कंटिन्यू एक्सिस्टेंस, वो जो लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड है वो हम तो कर नहीं रहे हैं. हम एनवायरमेंट में हमें जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए, मतलब हम कुछ उससे ले रहे हैं तो मतलब उसे हम कुछ रिटर्न में भी करना चाहिए. मतलब हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें चार और पेड़ उगाने चाहिए, उसका हम ऐसा नहीं कर रहे. हम उसको रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम उसको कुछ दे नहीं रहे हैं, रिबर्थ नहीं कर रहे हैं, बस उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो गलत है. उसको रिक्वायर है फिर से एक्सेल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, हमें फिर से उसको न्यू बर्थ लेना चाहिए, तो ही हमारी जो है सब स्टेबल रहेगा. ऑफ ऑल दी स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप, नॉन हैज डिसीविंगली मीन्स क्या होगा, डिसीविंगली मीन्स होगा क्लियर एंड डिफाइनेटिव इन टू द करेंट पॉइंट ऑफ इंग्लिश यूजर्स used as her felicitous word. No generation has the freehold on this earth. All we have is the life a tenancy with a full repairing list. In the word of Mr. Lex Brown, we have not inherited this earth from our fathers, we have borrowed it from our children. तो यहाँ पे दोनों ने बात अच्छे से की है. मार्गरेट थैचर है, उन्होंने भी बताया है, और मिस्टर लेजर ब्रॉन भी है, वो भी एनवायरमेंट की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि हमें, हम लोग इसका परमानेंट पार्ट है, इसका हम परमानेंट पार्ट नहीं है, पर जो अर्थ है हमारे जनरेशन टू जनरेशन चलती आने वाली है, तो ये परमानेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, तो हमें इसकी जो है वी हैव टू रिपेयर इट. पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्थ बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. और मिस्टर लेजर ब्राउन ने क्या कहा है कि हमें इसको ऐसे नहीं समझना है कि हमें इसने हम लोगों को हमारे जो है फॉर फादर से मिला है, और हमें ये समझ के इसको यूज़ करना है, इस नेचर को या फिर इसकी रिसोर्सेज को, कि हमने हमारे बच्चों से इसे गौरव किया है, और हमें ऐसे ही इस नेचर को, इस प्लानेट को, उसको हमको वापस देना है हमारे चिल्ड्रंस को, जैसे हमने उनको लिया था, या फिर और बेटर बना के देना है. तो जब तक हम ये सोच नहीं इंक्रीज करेंगे हमारे अंदर, तब तक एनवायरनमेंट का कुछ नहीं होगा. तो ये पूरा आर्टिकल हमें एनवायरनमेंट के जो है पर्यावरण है उसकी जागरूकता दिलाता है कि हम कितना इसको डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं. हमें ये समझना चाहिए हमारा कर्तव्य क्या है इनके प्रति, और हमें इन जो पेड़ पौधे हैं फिर और रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही संभाल के रखने की ज़रूरत है, तभी एनवायरनमेंट जो है वो सेव रहेगी, तो हमारी लाइफ भी सेव रहेगी. अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीट होता है. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखने हैं. तब तक के लिए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर.